जय हिंद। देखिए यूपीएससी सीएससी 1983 में पूछा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस पे हमें कमेंट करना है पेपर टू सेक्शन बी का। और ईईजी भी क्वेश्चन है क्योंकि यह इसका संबंध जो है डायरेक्टली जो है यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन या गठन से है, ठीक है। देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध एक प्रकार से कह सकते हो कि समाप्त हुआ, उसके बाद डायरेक्ट शीत युद्ध और कोल्ड वार प्रारंभ हो गया, और कोल्ड वार प्रारंभ हो जाने के बाद या उससे पहले ही जो है एक अमेरिका के द्वारा रिवाइवल प्लान, और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जितना नुकसान खास करके यूरोपियन नेशन को हुआ उतना किसी भी नेशन को नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम जापान, ठीक है। तो यूरोपियन नेशन के और वेस्टर्न कंट्रीज के रिवाइवल के लिए अमेरिका जो है फंडिंग वगैरह प्रारंभ किया और उसको जो है एक प्रकार से पूरे के पूरे एक जो खास करके जो वेस्टर्न लिबरल नेशन थे, कैपिटलिस्ट नेशन थे, उसे जो है नाटो का ऑलरेडी वो सदस्य भी थे और जो है उनको जो है रिवाइव करने के लिए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, तो उसे जो है फंड वगैरह सहायता जो है मदद किया, तो उन्होंने एक काउंसिल का निर्माण किया, ठीक है। तो है यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। देखो, जब तक एक अच्छे, अभी जैसे देखो कई एक जो है देशों के मध्य में अगर रिश्ते खराब भी हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से जो है व्यापार करते हैं, क्योंकि व्यापार में अपना हित होता है, अपना हित सदता है, तो हम किसी के साथ जो है द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय जो है व्यापार करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने आप में जो है आप देखोगे इतना बड़ा संगठन है, हालांकि ब्रेग्जिट वगैरह या ब्रिटेन के हटने के बाद जो है थोड़ी बहुत उसकी स्थिति चरमराई है, लेकिन फिर भी स्टिल कह सकते हैं वो अभी विश्व की एक इकोनॉमिक पावर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अगर कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट को अगर हटा दिया जाए तो वो सबसे शक्तिशाली आर्थिक अर्थ के क्षेत्र में वो सर्वशक्तिशाली जो है एक संगठन है, और एक प्रकार से कह सकते हो उसका प्रतिनिधित्व देखो G20 वगैरह में भी है। तो यहाँ यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल का गठन हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, और ख़ास करके जितने भी यूरोपियन नेशन हैं उसको लेकर। और उसमें पहले ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था क्योंकि छोटे छोटे देश हैं यूरोपियन नेशन, तो एक देश दूसरे देशों के साथ या फिर जो कह सकते हो ना कि युद्ध और वॉर की स्थिति हमेशा चलते रहती थी, सुप्रीमेसी या अपीजमेंट की पॉलिसी हर देशों के साथ जो है होते रहता था। तो क्योंकि वहाँ अगर पीस एंड एस्टेब्लिसी कहीं भी किसी भी देश में, अभी जैसे देखो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, वहाँ आसियान का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ शांति और समरसता जो है और अधिक बढ़ गई। मतलब जब पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार होता है, तो उन दोनों देशों के रिश्तों में और जो है कह सकते हो मिठास बढ़ती है, ठीक है। तो यही बात हुआ यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार जो इकोनॉमी की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी होने लगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक देश दूसरे देशों के साथ हमेशा युद्ध और शंका के दृष्टि से देखा करते थे, तो तमाम आपस के यूरोपियन नेशन जो थे मिलकर एक संगठन के रूप में आए और जो आर्थिक गतिविधियों को जो है एक प्रकार से इसी कमेटी के द्वारा और कमीशन के द्वारा संचालित करते थे, जिससे कि यूरोपियन नेशन धीरे धीरे और जो है प्रॉस्पेरिटी की ओर आगे बढ़े और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ग्रेजुअली रिड्यूस होते गया। अब तो देखोगे कि लगभग सारे के सारे जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशन भी थे वो अभी अब नाटो के सदस्य बन चुके हैं, और मोर और लेस यूरोपियन यूनियन पूरे के पूरे यूरोप का प्रतिनिधित्व करती है। हम जैसे ब्रिटेन वगैरह ऐसा नेशन है जो अब उससे एग्जिट कर रहे हैं, उसके अपने कारण हैं, लेकिन फिर भी यूरोपियन नेशन एक मजबूत आर्थिक संगठन के तौर पर जो है इसे देखा जाता है। इसकी करेंसी वगैरह भी है, यूरो वगैरह इसकी अपने पार्लियामेंट है, ठीक है। तो इस पर हमें कमेंट करना है। आप जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इंटरनेशनल एंगल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है उस परिप्रेक्ष्य में टू दी कंटेक्स्ट आपको जो है प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है इसका क्या योगदान है और इसका क्या प्रभाव है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।